सो डियर फ्रेंड्स, जेई मेंस PYQ सीरीज में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2020 का डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सीख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, साथ ही इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है एंड इस तरह के क्वेश्चन जेई मेन्स में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो माई डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहिएगा एंड इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं इस टेक्निक को भी आपको यहाँ पर मैं सीख के जाना है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² dy = 2xy + y² dx देन एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, यानी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। वो इक्वेशन है 2x² dy = 2xy + y² dx, ठीक है। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये जिस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ये कर्व कहां से पास कर रहा है, 1, 2 से। तो आपको निकालना है f ऑफ 1/2 का वैल्यू, आपको निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1/2। सकते हो 2 dy = x² से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो बन जाएगा 2xy / x² + y² / x² (dx). तो ये dx को वापस उधर लेके चलेंगे तो बन जाएगा 2dy/dx = यहाँ पर देखिए 2xx कैंसिल, ये बन जाएगा y/x + y/x² ठीक है। एक पैटर्न बन गया, dy/dx, y/x, y/x है ना। तब यहां पर मैं क्या करो, ये जो टर्म दिख रहा है y/x, इसको आप क्या मान सकते हैं, v मान सकते हैं, यानी लेट y = vx दैट इंप्लाइज y/x = v, होमोजेनियस फंक्शन हो गया। तो अगर y = vx मानते हो तो इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आपको क्लियर होना चाहिए, दैट विल बी dy/dx = v + x (dvy/dx, इट विल बी द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। नाउ यू हैव टू पुट दिस स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर पुट कर देंगे तो 2 जहाँ dy/dx उसके जगह लिख देंगे v + x (dv/dx) यू विल गेट 2v + v² ठीक है। तो आप देखिए यहाँ 2v और 2v क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट एज 2x (dv/dx) = v² ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो जब दोनों को सेपरेट करेंगे यहाँ पर में तो आपको मिल जाएगा 2dv/v² = dx/dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर में आ जाएगा -2/v = ln x + c, है ना। ये आपके पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो ये आपके पास में इंटीग्रेशन आ गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपको, पॉइंट कौन सा पार्ट पास करना है, 1, 2 से, यानी x = 1, y = 2। अच्छा यहाँ पर v को हम लिख सकते हैं -2/y/x, तो ये हो जाएगा -2x/y = ln x + c। तो x = 1, y = 2 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर मैं -2/(ln 1+c), तो ln 1 कितना हो गया, 0, तो यहाँ से आपको c का वैल्यू मिल गया -1, c का वैल्यू कितना हो गया -1, तो यहाँ रख दीजिए। तो c का वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है कर्व का, या जो इक्वेशन मिला है, दैट विल बी -2x/y = ln x - 1, ठीक है। अब आपको निकालना है f ऑफ 1/2, यानी x = 1/2 पर वैल्यू, तो x = 1/2 पर वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 1/2 पर, यानी
माइनस टू इंटू वन बाई टू डिवाइड बाई वाई, ये एफ ऑफ वन बाई टू मतलब एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर वाई का वैल्यू, तो ये हो जाएगा एल एन वन बाई टू माइनस वन। तो यहां से आप देख पा रहे हो ये टू टू कैंसिल, ये माइनस वन बाई वाई, ये हो जाएगा माइनस वन बाई वाई इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल के एल एन टू प्लस वन, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो यहां से वाई का वैल्यू मिल जाएगा वन डिवाइड बाई वन प्लस एल एन टू, ठीक है, वन डिवाइड बाई वन प्लस एल एन टू, यानी एफ ऑफ वन बाई टू का जो वैल्यू आ गया फंक्शन का वैल्यू वाई, यानी वाई का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू पर, एफ ऑफ वन बाई टू का मतलब हो गया कि फंक्शन का वैल्यू यानी वाई एट एक्स इक्वल टू वन बाई टू, दैट इज वन बाई वन प्लस एल एन टू, वन बाई वन प्लस एल एन टू। तो जो हमारे पास में ऑप्शन टू है, ऑप्शन टू को आप देखें ध्यान से, ऑप्शन टू जो है ठीक है, वन बाई वन प्लस लॉग टू बेस ई, एंड लॉग टू बेस ई इज नथिंग बट एल एन टू, तो ये जो आंसर आ गया दैट विल बी ऑप्शन टू, ठीक है, ऑप्शन टू आ गया आंसर वन बाई वन प्लस एल एन टू या वन बाई वन प्लस लॉग टू बेस ई। तो देखो माय डियर फ्रेंड, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि